वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Y 4.0 अपडेट न्यूज के बारे में, साथ ही अभी तक में Realme के कौन से डिवाइसेस में रिसेंट में जो भी अपडेट्स देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर, तो उन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इस वीडियो का हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का, तो यहाँ पर आप लाइक्स भी फटाफट से कम्प्लीट करवा दें। वेल दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सामने निकल के आ रही है Realme की तरफ से Realme 9i 5G डिवाइस को लेकर। तो अगर आप इंडिया के अंदर Realme 9i 5G डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो फाइनली आपके डिवाइस में फरवरी 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड इस अपडेट का वर्जन RMX 3612 11C.05 देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। एंड फाइनली दोस्तों, इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में इंटीग्रेट्स द जनवरी 2023 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस। तो यहाँ पर आपको जनवरी 2023 के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम में ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो अगर आप अपने डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करते हो, एप्स ओपन क्लोज करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो Realme GT Neo 3T डिवाइस के लिए भी फरवरी 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड इस अपडेट का वर्जन RMX 3371 11C.05 देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर टेंशन की कोई भी बात नहीं है। सिंपली आपको 7 डेज का वेट करना है, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों, इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में फरवरी 2023 के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया और यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस को भी ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पावर कंजप्शन को भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट लगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो Realme X7 Pro डिवाइस के लिए भी फरवरी 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड इस अपडेट का वर्जन RMX 2121 11F.20 देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में सबसे पहले तो जनवरी 2023 एंड फरवरी 2023 के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस, तो यहाँ पर आपके डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन का लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।